अरे क्या साहब, दूसरों को गोली देने वाला खुद गोली खा रहा है? ये गोली मैं तुम दोनों के आने के गम में खा रहा हूँ। घबराइए मत साहब, बहुत जल्द आपका जहर खाने का वक्त भी आएगा। बंद करो ये बकवास। ये कहाँ गया? मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने जब तुम दोनों को यहाँ से इतनी मुश्किल से ट्रांसफर करवाया तो मुझे इतना बता दो कि तुम लोग वापस कैसे आ गए? वो क्या हुआ साहब, आपने ऊपर वालों को रिश्वत दे के हमको नीचे भेज दिया, हमने नीचे वालों को रिश्वत दे के वापस ऊपर आ गए। लेकिन तुम्हारे पास रिश्वत के पैसे कहाँ से आ गए? उधर पूछो। वहीं से जहाँ से आपके पास आए। मेरे पास? मेरे पास कहाँ से आए? खेत से, खलियान से, बूढ़े से जवान से, पान की दुकान से, बनिए के मकान से और मुन्नी बाई की मुस्कान से। बकवास बंद करो, खामोश रहो प्लीज। मेरा बाकी है भी। शमशान में जलाए जाने वाले और कब्रिस्तान में दफनाए जाने वाले मुर्दों के कफन में भी तुम्हारा हिस्सा होता है। मेरा? और ये बात बेबुनियाद नहीं है, इसलिए आप जल्द से जल्द इस्तीफा देने के लिए तैयार हो जाइए सर। ये इस्तीफा नहीं देंगे, ये उन हरामखोर नेताओं में से जो कुर्सी से फेवको लगा के चिपक के बैठ जाते हैं और उस वक्त तक नहीं उठते जब तक की जनता इनको वोटों के जूतों से मार के उठाती नहीं है। ऐसे अपनी बकवास बंद करो, ये बकवास बंद करो, नहीं तो मैं तुम दोनों का फिर से ट्रांसफर करवा दूंगा। हम फिर से वापस आ जाएंगे। मैं फिर से ट्रांसफर करवा दूंगा। फिर वापस आ जाएंगे। मैं फिर से ट्रांसफर करवा दूंगा। फिर वापस आ जाएंगे। मैं फिर से ट्रांसफर करवा दूंगा। फिर वापस आ जाएंगे। मैं वापस आ जाऊंगा। फिर वापस करा देंगे। मैं वापस आ जाऊंगा। हम फिर वापस करा देंगे। मैं वापस आ, हम तुम्हारा फिर से ट्रांसफर करा देंगे। हम तुम्हारा फिर से ट्रांसफर करा देंगे। हम तुम्हारा फिर से ट्रांसफर करा देंगे। वापस जवान।